चलो देखते हैं शिल्पी क्या बना रही है। हाय शिल्पी, हाय। क्या बना रहे हो? आज मैं बना रही हूँ दाल मखनी। वाह, कई सारे आई थिंक बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। हाँ, काफी सारे स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक काली उड़द ली है, या काली माश की दाल जिसको कहा जाता है, होल वाली। तो ये स्प्लिट से नहीं बनती है, होल से ही बनती है, मतलब साबुत दाल होनी चाहिए। तो इसको ये जो है वन ऑफ द हार्डेस्ट दाल होती है कुक होने के लिए भी। तो इसको मैंने क्या किया था, अच्छे से धो के और इसको 8 घंटे के लिए, मिनिमम 8 घंटे के लिए आपको पानी में भिगोना है। और ये देखें, अब इस तरह से इसके कोई किसी के छिलके निकल गए और किसी के हैं। और फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से हाथों से इस तरह से रगड़ना है। तो ऐसे करने से क्या होता है कि इसमें आप देखेंगे काला काला सा पानी आने लगेगा। तो मैं इसको ऑलरेडी 2 बार इस तरह से धो चुकी हूँ और मैं ये 3rd टाइम धो रही हूँ इसको। तो अगर ये काला काला पानी रह जाएगा तो आपकी दाल का जो वो कलर है ना, जो आता है रेस्टोरेंट में हल्का सा रेडिश टिंच वाला, वो नहीं आएगा। रेड ब्राउन जैसा जो आता है। हाँ, अगर ये पानी उसमें रह जाएगा तो ये दाल जो है वो काली काली बनेगी, अच्छी नहीं बनेगी। तो ये देखिए, तो मैंने 1 कप दाल ली थी। और इसका मैं क्या करूँगी, अब इसका पानी जो है छान के अलग निकाल दूंगी इस तरह से। देखिए, तो आप देखें इसको इतना फूल जाना चाहिए कि किसी किसी के इसके जो छिलके हैं वो अलग हो जाने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें ये डाल देंगे। तो 1 कप दाल है भिगो के, आप देखें कितनी सारी हो गई है। और यहाँ पर मेरे पास है 1/4 कप राजमा, या फिर आप मुट्ठी से नाप लें, 1 मुट्ठी काफी रहता है 1 कप दाल के लिए। तो इसको भी भिगो के रखा हाँ, जाए। इसको भी मैंने ओवरनाइट भिगोया था। और इसको भी हम छान देंगे इस तरह से और इसमें डाल देंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी पानी। तो पानी मैं अभी 3 कप डाल रही हूँ उसमें, ये देखिए। और इसमें डालेंगे सॉल्ट। तो सॉल्ट थोड़ा देख के डालेंगे क्योंकि इस दाल में पड़ता है बहुत सारा बटर। और अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ करने वाले हो तो बहुत ध्यान रखें कि जो ज्यादा सॉल्ट अभी से नहीं डालें, हाँ, बाद में एडजस्ट करना हो तो बाद में भी कर सकते हैं। तो इसमें कई लोग इस टाइम खड़े मसाले भी डालते हैं, मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि वो काफ़ी धीमे में आते हैं। और अब हम इसमें लगाएंगे 6 से 7 सीटियाँ मीडियम फ्लेम पे। और उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और कुकर को बिल्कुल ठंडा हो जाने देंगे। दाल में मैंने 6 से 7 सीटियाँ लगाई थी और अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, दाल हमारी अच्छे से गल गई है, पर ऐसा नहीं हुआ है कि बिल्कुल मुशी हो गई है। और ये देखिए, कुक अच्छे से हो चुकी है बस। दानेदार है लेकिन सॉफ्ट हो गया है हाँ, थोड़ा। सॉफ्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से हम कुक ऑन चढ़ा देंगे धीमी आंच पे, जब तक हमारा तड़का बनेगा। तो खुले में चलाना हाँ, खुले में चलाना है। और बीच बीच में इसको चलाते रहें, ऐसा ना हो कि बेस में जो है वो लग जाए। तो इस तरह से हल्के हाथों से दबा के इसको बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। और आइए, अब हम यहाँ पे तड़का बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने, आप अपना कोई भी पैन, कढ़ाई, कुछ भी ले लें। और इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल, तो आप घी का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है इसमें, और क्योंकि ये दाल मखनी है तो मक्खन का इस्तेमाल तो होगा, लेकिन मक्खन का इस्तेमाल हम करेंगे थोड़ी देर बाद। तो हम पहले तेल को या घी, जो भी आप यूज़ करना चाहें, इसको बहुत अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। तो देखिए, हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है। हम इसमें डाल देंगे ये अदरक और हरी मिर्च, कटा हुआ, पिसा हुआ मतलब। ये देखिए, करीब 2 हरी मिर्चें ली हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे ये 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च। और इसमें डाल देंगे ये 1.5 कप टोमेटो जो कि मैंने पीस लिए हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखिए, इसको बस हमें कुक करना है जब तक ये अच्छे से ऑयल रिलीज ना कर दे। देखिए, हमारे जो टमाटर का मसाला है उसने अच्छे से ऑयल लूज आउट कर दिया है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी दाल, ये देखिए कितनी क्रीमी हो गई है। इसको मैंने थोड़ी थोड़ी देर में चला दिया है, इसमें से जो स्टार्च है वो अब देखें आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि थोड़े से मसाले डालेंगे इसमें टमाटो की प्यूरी में। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून समझ लें धनिया पाउडर, आधी टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और यहाँ पर आधी टीस्पून है मेरे पास जीरा पाउडर। इनको मिला देंगे हम हल्का सा। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी दाल है ये हम इसमें डाल देंगे। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो दाल मखनी को दाल मखनी बनाती है, बटर। तो काफ़ी सारा बटर, जितना आपका मन करे उतना, जितना ज़्यादा उतना टेस्टी ऑफ कोर्स। क्योंकि हम दाल मखानी बना रहे हैं
तो मक्खन तो डलेगा इसमें, काफी सारी क्रीम मक्खन हाँ ये और सब डल तड़का सब कुछ डलता है। कई सारे प्रोसेस, कई सारे स्टेप्स हैं इस प्रोसेस में, सारे फॉलो करने पड़ेंगे अगर ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए हमें। जी बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, इसको करीब 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसी तरह के से चला के भूनना है। बहुत जरूरी है कि आप इसको नीचे से चलाते रहे, नहीं तो ये दाल इतनी स्टार्ची और इतनी थिक है कि ये बेस पे जाके लग जाती है। तो कंटिन्यूअसली चलाते रहे और 10 मिनट तक ऐसे ही इसको धीमी आंच पे धीमी करना। आंच पे इसको बॉईल होने दें। तो ये देखिए मैंने इसको 10 मिनट तक कुक किया है और अब देखिए इसकी क्रीमिनेस। तो अभी तक हमने इसमें पानी नहीं डाला था, अगर आप इसमें पहले पानी डाल देंगे तो इसमें से जो दाल का स्टार्च देख रहे हैं आप और जो ये आई थिंक अभी तक की जो क्रीमी जो इसका टेक्सचर जो टेक्सचर आया है है वो इसके स्टार्ट से ही आया है अभी हाँ तक। स्टार्ट से आया। तो अब मैंने क्या किया है, आंच को तेज कर दिया है, फुल पे लगा दिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जरूरत के अकॉर्डिंग पानी डालेंगे। बहुत ज्यादा तो वैसे भी नहीं डलता है इसमें पानी, थिक दाल बनती है, थोड़ा सा और डालेंगे। ये बट देखिए क्योंकि लंबा प्रोसेस है तो पानी बीच बीच में एक दो बार ऐड करना पड़ेगा हाँ। वैसे। तो और अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको फिर से हमें इसको पकाना है धीमी आंच पे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 15 मिनट पकाना चाहते हैं, आधा घंटा पकाना चाहते हैं, 1 घंटा। वैसे अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं तो ये दाल जो है 4 4 5 5 घंटे पका के बनाई जाती है। हाँ तो बड़ा पेशेंस का काम है इसमें। तो अभी हमने कुछ देर पकाया, फिर पानी डाला है। अब उसको पानी को उसमें मिलाने के लिए हमें कुछ देर उसको और उबालना पड़ेगा उसमें और हाँ पकाना पड़ेगा, इसलिए हम तो डाल रहे मैं हैं। मोस्टली अब जो है 15 मिनट तक और पकाऊंगी दाल को। मैंने 15 मिनट तक और अच्छे से उबाला और अब हम इसमें डाल देंगे बचे हुए इंग्रेडिएंट्स। तो हम इसमें डालेंगे नमक, ध्यान रखिएगा नमक सॉल्टेड अगर डालें तो नमक की क्वांटिटी कमी होनी चाहिए। आधी टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे, ज्यादा नहीं मतलब आप बस कहना थोड़ी चाहते थे कि सी। अगर अगर मक्खन सॉल्टेड डाला हो तो नमक की क्वांटिटी आप हाँ सही से डालें। और इस समय बल्कि मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप टेस्ट टेस्ट करके करके फिर जितना नमक डालें। एडजस्ट करना उतना हाँ उतना करें। डालें और कसूरी मेथी आपने हाथ से थोड़ा क्रश करके डाल दी हाँ है। थोड़ी सी, बस आधी टीस्पून, बहुत ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि कुछ भी चीज इसमें ओवर पावर नहीं होनी चाहिए। तो आपने देखा होगा मसाले भी बहुत बहुत सॉफ्ट ग्रेवी बनती है इसकी। हाँ, तो मसाले भी कम डालते हैं इसमें, मसाले बहुत स्ट्रांग नहीं डालते हैं। इसी वजह से इसमें मैंने प्याज का तड़का नहीं डाला है। रेस्टोरेंट्स में प्याज का तड़का नहीं डालते हैं, अगर आपको प्याज डालने का मन है तो आप डाल सकते हैं। और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा धनिया कटा हुआ। और अब हम क्या करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है क्रीम, मतलब मलाई है मेरे पास, जो दूध के ऊपर निकलती है वो मलाई है। मैंने उसको बस हल्का सा क्या किया है, फेंट लिया है हल्का सा। तो गैस को बंद करा है मैंने और इसमें करीब 2 से 3 चम्मच जो है टेबलस्पून अच्छा, तो गैस बंद होना जरूरी है इस समय, हाँ, वरना मलाई हो सकता फट जाए कर्डल या हो जाती कर्डल है। हो सकती इसको है। बहुत अच्छे से अब मिक्स करेंगे। ये देखिए तो बिल्कुल तैयार है हमारी दाल मखनी फाइनली फाइनली। और इसका कलर देखिए आप कितना बढ़िया आया है, तो जरूर ट्राई करके देखें। आइए हम इसको सर्व कर देते हैं और अब। आप इसको सर्व कर सकते हैं तंदूरी रोटी के साथ, जिसकी रेसिपी हमने कुछ दिन पहले ही डाली थी। हाँ बिल्कुल, उसके साथ तो बहुत ही मजेदार लगती है। मैं अभी वही बना रही हूँ अभी। ये देखिए इसको हम सर्व कर देंगे अब। ये देखिए, और इसको हम गार्निश करेंगे थोड़ी सी क्रीम के साथ, बची हुई जो हमारी क्रीम है, थोड़ी सी डाल दें, ज्यादा नहीं। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बटर, कुछ कसर रह गई थी। दाल मखनी है, मक्खन तो होना जरूरी है ना। इसको गार्निश करेंगे थोड़े से धनिए के साथ। तो देखिए बिल्कुल तैयार है, जरूर ट्राई करके देखिए। एंड आई होप ये आपको बहुत पसंद आए। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।